नमस्कार, आप देख रहे हैं जनूदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शायमा परवीन। दिल्ली के राजौरी गार्डन में गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से डिस्पेंसरी को खोला गया है। दरअसल मेडिकल टेस्ट और दवाएं बाजार में इतनी महंगी है कि किसी का भी बजट बिगाड़ सकती है, लेकिन राजौरी गार्डन के जे ब्लॉक में 3 साल से चल रही गुरुद्वारा चैरिटेबल डिस्पेंसरी में महंगी से महंगी दवाएँ भी मुफ्त में दी जाती हैं और मेडिकल टेस्ट मार्केट रेट से 5 से 6 गुना सस्ते में किए जाते हैं। गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से संचालित किया जाता है। यहाँ तमाम बड़े अस्पतालों के मशहूर डॉक्टर मुफ्त कंसल्टेशन देते हैं। डॉक्टर मरीजों को जो दवा लिखते हैं, जब तक मरीज ठीक नहीं हो जाते वह फ्री में दी जाती है। डिस्पेंसरी के पास खुद की लैब है जिसमें हाई स्टैंडर्ड मशीनें हैं। यहाँ दिल्ली NCR से रोज करीब 600 से 650 मरीज आते हैं। आपको बता दें कि डिस्पेंसरी में हर तरह की सुविधा मरीजों के लिए मौजूद हैं। आँख, दांत, हड्डियाँ, त्वचा, घुटनों का दर्द, किडनी, दिल, गर्भाशय और ब्लेडर से जुड़ी बीमारियों के इलाज के अलावा डिस्पेंसरी के फिजियोथेरेपी भी की जाती है। यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं और लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने के साथ ही कैंसर के मरीजों को भी देखा जाता है। MRI, अल्ट्रासाउंड, किडनी, इको स्कैन और एक्सरे, लिपिड प्रोफाइल, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, CBC, थायराइड टेस्ट, सभी तरह की जो जांच की जाती है। यहाँ डायलिसिस 750 रुपये में और रूट कैनल 900 से 1500 रुपये में किया जाता है। फिजियोथेरेपी की अलग अलग मशीनों से 40, 60, 80, 100 रुपये की सिटिंग है। गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान हरमनजीत सिंह ने बताया कि हमने बहुत से लोग देखे हैं जिन्हें कैंसर और किडनी की बीमारियों के इलाज के लिए अपनी जायदाद बेचनी पड़ी और हमने डिस्पेंसरी में ऐसे मरीजों को राहत देने की सोची। गुरुद्वारे के सभी सदस्यों के साथ लेकर दवाओं और मशीनों का इंतज़ाम किया। ये गुरु नानक देव जी का घर है और किसी के पास पैसा नहीं है तो उसका भी इलाज किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनुदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गुरुद्वारा सिंह सभा राजौरी गार्डन के अंदर, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं हरमनजीत सिंह जी, जो कि एक अच्छे समाज सेवी हैं, लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर मैं बात करूं उनके जो कार्य हैं कि वो क्या क्या कार्य करते हैं, तो उन्होंने गुरुद्वारे के बिल्कुल बैक साइड में ही जो है वो डिस्पेंसरी बनवा रखी है, जिसमें हर प्रकार की फैसिलिटी जो है वो पेशेंट को मिलती है। उसके साथ साथ में चाहे गरीब कन्याओं की शादी करवानी हो उसमें भी वो बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देते हैं। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे कुछ इन्हीं मुद्दों के ऊपर। तो चलिए चलते हैं हरमनजीत सिंह जी के पास। नमस्कार सर, सब तो पहला तो तुहानू लोहड़ी दियाँ बहुत बहुत शुभकामना जी। हरमन जी, तुहाडी जिहड़ी मतलब डिस्पेंसरी है, पहला आ दसो कि इहदे बारे मतलब दसो कि की फैसिलिटियां इहदे अंदर हैगियां। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਨਹੀਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਈਏ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 400-500 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਓ ਡੈਂਟਲ ਹਾਊਸ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੈਂਟਲ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟਲ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਚੇਅਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 6 ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 5-6 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਲ ਅਤੇ BL ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਅਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 999 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ BL ਕਪੂਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਕੱਠਾ 2-2 ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ।
फिर अगे चले फिजियोथेरेपी तुसी देख के आए हैगे हो जी, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी हैगी साडी इत्थे दी। दूजा फिर आ जाओ तुसी साडा अकूप्रेशर दा हैगा जिहड़ा ना दवाइयां नहीं लैना चाहुंदा हैगा उंज ठीक होना चाहुंदा हैगा वे, तो साडे तीन डिपार्टमेंट हो हैगे ने, एक ते हैगा वे फिजियोथेरेपी दा, दूजा हैगा वे अकूप्रेशर दा, तीसरा हैगा वे नैरोथेरेपी हैगी है, नैरोथेरेपी दा हैगा वे। ए तीन डिपार्टमेंट हैगे ने जिहड़े कोई तुहाडे शरीर नूं जे तुसी नहीं गोली खाना चाहुंदे हैगे एक्सरसाइज नाल दूजे ते करना चाहुंदे हो तो हो जाता हैगा। फिर साडा आई केयर सेंटर हैगा, आई केयर सेंटर दे विच तुसी देखिया हैगा वे कि साडे ना डॉक्टर जिहड़े ने बड़े एडवांस डॉक्टर हैगे ने सारी गल, असी हुण ना उपर एक ओह लगा रहे हैगे आ कैटिक दे ऑपरेशन दा ना मोतिया जिहनूं कहिंदे हैगे ने पंजाबी विच, ओह ऑपरेशन साडे उत्ते होण करनगे और दिल्ली दे ने इंडिया दे साडे ना रेट साडा जो होएगा ना उसी ओह करांगे 4000 तो लैके 5000 दे विच असी ना ऑपरेशन कर देंगे बिल्कुल अपना जिहड़ा ना सफाई दे लै लो, मशीनरी दे लै लो, जिहड़ियां मशीनां ने असीं जापान तों मंगाईआं ने, जर्मन दी मशीन भी बड़ी अच्छी है, मगर जर्मन तो भी अच्छी जापान दी मशीन हैगी सी ते असीं उही बनाई है, 6,72,000 दी हैगी है, मशीन 2,00,000 दी भी आंदी है, 1,50,000 दी भी आंदी हैगी है, मगर असीं कहिंदे आ कि जिहड़ा गरीब मातड़ मेल बंदा हैगा ना उहदा इलाज इत्थे घट तों घट 750 रुपए दे जे असीं ना डायलिसिस कर दिंदे आ उहदे विच वी तुसीं उहनां देखिआ सी आए हैगे सिक दो बंदे आए हैगे सी, नहीं दस्से ते किसे नूं 20% 30% दे डिस्काउंट दे दिंदे आ जिहड़ा नहीं होंदा। गल करां जे हुण जिवें कोरोना काल सीगा ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਵਾਸਤੇ 20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 8-10,000 ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ, 25,000 ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਬਾਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ 10-12,000 ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਲਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਐਲਕਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਨਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 300-350 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 40-35-40-50 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਬੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 75 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਲਾਊਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 5-star ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ
शादियों का तो देख लिता है कि जो अंध ने गरीब आ जाता है बंदा असि इतने निराशा वाला काम को नहीं बाबा जी का घर है सानू डोनेशन आंदे भी चंगी है अगो वंडी भी जांदी है ए हैगा साडे ते मिस यूज नहीं कोई हो सकदा का बिल्कुल ना मतलब ए गल कहना तो जो है ना वो बहुत मुश्किल हैगी क्योंकि हमेशा सिख कमेटी जो है वो आगे ही रहंदी है किसी भी चाहे कोई भी सेवा भाव होवे हुण अगर मैं गल करां किसानां दी किसान बॉर्डरां ते डटे होए ने ते कित्थे ना कित्थे मतलब ए जिहड़ा अंदोलन स्टार्ट होया वो पंजाब तो ही हो स्टार्टिंग हुई है दी हुण हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाते ने इस वेले उन्होंने कानून से लेकिन तो लगता है कि ये सिर्फ मतलब किसानों बेवकूफ बनाए जा रहे हैं देखो एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट में पई हैगी है एक काम तो ठीक होया गया इन्होंने कर दिता है मगर साढ़े जोड़े किसान भाई है ना उन्होंने एक गल का विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई असी ना इन्होंने कोई मतलब पूरा होएगा असी भी हुण जावांगे इन्हां नूं डिस्कस करांगे वैसे साडा उत्थे एक असी उन्हां नाल मिल के लगाया होया वे जिहड़े हैगे ने अखंड कीर्तनी जत्थे हैगे ने उन्हां नाल साडा लंगर चलदा हैगा वे जिहड़ी चीज़ इत्थों आटा लोड़ हैगी घिओ लोड़ हैगा वे जो दालां चावल जो दाल जरूरत होंदी इत्थों पूरी असी हो जांदी गी उन्हां दी और दे भी रहे ने लोकी दिंदे भी बड़ा पए हैगे ने इहदी गल हैगी कि नहीं उत्थे रोज़ा 15-20 हज़ार बंद लंगर बनता है वे सारा चलता पे पता नहीं सच्चे पाशाह खरी जा रहा है बट ना ये मूवमेंट नू ना अपील करने मोदी जी अगे इनू किसी तरीके बिना देखो जिथे कोई 5-10% लोग हो ना उत्थे तो तुसी ना कर सकते अज हुण सारा यह मूवमेंट यूपी च भी चली हुई है बिहार च भी चली हुई है कर्नाटका भी चली हुई है ईवन गुजरात दे विच भी ना चली हुई है जिथे मेजॉरिटी हो 70% पचहत्तर वो ना मंदी हो ना वो चीज़ नू करना नहीं चाहिए सरकार आखिर वोट बैंक भी मोदी साहब का यही है वे इन्हें नहीं जताया है वे यह हम 2-4-6 बंद वास्ते जरा करते पे ने ना अमीर आदमी होर अमीर करना करना यह ठीक मेरे हिसाब नाल ठीक है बाकी हुण सरकार है चलाते पे सरकार चलानी है उन्होंने कि किस तरह पर जो 70% मैं उत्थे जाना वा ना बार्डर से गया वा ईवन यूपी दे विच भी गए है असी ते ना एक किसान इस मामले च खुश नहीं गा बिल्कुल बिल्कुल उन्हू इन्हां नू समझना चाहिए अमित शाह वगैरह सारे देखना चाहिए है कि भी किस तरह ना